ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है। विकासवादी स्मृति तय कर रही है कि आप सिर्फ मानव रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति की ओर देखा और कहा, पहले हम मछली थे। वे ये भी कहते हैं, जब तक सौर मंडल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव ना हो, आप शारीरिक रूप से उन्नत नहीं हो सकते। चार्ल्स डार्विन 152 साल पहले, वे 200 साल पहले जन्मे थे, पर जब वे 52 के थे, उन्होंने अपना विकासवादी सिद्धांत दिया। 15,000 साल पहले आदियोगी ने ये कहा था, मैं चाहता हूं कि आप इसकी ओर ध्यान से देखें। क्या आप डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, सिर्फ इस तथ्य के बारे में नहीं कि पहले आप बंदर थे, सिर्फ वो नहीं, कुछ और। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन आदियोगी ने कहा, इस ग्रह पर जीवन का पहला रूप पानी में था। खैर, आपने इस बारे में कई अलग अलग तरीकों से सुना होगा, लोगों ने आपको बताया होगा, 9 अवतार हैं। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 9 अवतार कौन से हैं? मत्स्य अवतार? नहीं नहीं, कूदिए मत। कूर्म अवतार? वराह? नहीं। नरसिम्हा? वामना? परशुरामा? रामा? कृष्णा? बुद्धा? नौ। अब आपको ये समझना चाहिए, इस समय लोग इन नामों को व्यक्तियों के रूप में देखने लगे हैं, इनकी ओर गुणों के रूप में देखिए। जीवन का पहला रूप मछली थी। डार्विन भी सहमत हैं, ये पानी में था। ग्रह पर दूसरा विकास जल थल दोनों पर रहने वाला जीवन था कूर्म अवतार, आधा पानी में जो जमीन पर विहार करने लगा। उसके बाद बीच में कई दूसरे प्राणी हैं, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण जीवन स्तनधारी जीवन है। स्तनधारियों में सबसे पहला सुअर है। आज भी आप देखेंगे, आपके पास राजस्थान में जंगली सुअर हैं? आप पाएंगे कि सभी जानवरों में जंगली सुअर या सुअर सबसे ज्यादा भौतिक प्राणी है, उन अर्थों में कि यह अपने शरीर में इतनी गहराई से जमा हुआ है कि अगर लोग किसी जंगली सुअर के शिकार के लिए जाते हैं तो वे उसे आसानी से नहीं मार पाएंगे। हम जहां हैं, हम वर्षा वनों के पास में हैं। यहां कबायली गांव हैं। ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मैं 10-12 साल के लड़कों की बात कर रहा हूं, जब वे वापस आते हैं, अगर उन्हें कोई हिरण दिखाई देता है तो वे छड़ी उठा लेते हैं। वे यूं ही कहीं से छड़ी उठा लेंगे, हिरण पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। मैं कह रहा हूं कि स्कूल के लड़के बस एक लकड़ी से दूसरे स्तनधारी इस तरह से बने हैं। आप भी, आपके सिर पर एक आघात और आप मर जाएंगे। पर एक जंगली सुअर इस तरह नहीं होता, यह आसानी से नहीं मरता, क्योंकि भौतिकता में इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज भी अगर आप किसी को शरीर से बहुत जुड़ा हुआ देखते हैं तो आप कहते हैं वो सुअर जैसा है, नहीं? क्योंकि सुअर बहुत ज्यादा भौतिकता को दर्शाते हैं, तो वे जिस पहले स्तनधारी का वर्णन करते हैं वो एक सुअर है। अगला क्या है? नरसिम्हा, आधा मनुष्य आधा पशु। अगला है वामन, एक बौना मनुष्य। उससे अगला एक पूर्ण विकसित मनुष्य है जो परशुरामा है, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर है, इतने अस्थिर कि उन्होंने अपनी ही माँ का सिर काट दिया। अगले है राम, एक शांत मनुष्य। अगले कृष्ण है, एक प्रेम पूर्वक मनुष्य। उससे अगले बुद्ध है, एक ध्यानशील मनुष्य। उससे अगले को एक रहस्यवादी मनुष्य होना है। हर कोई दावा कर रहा है वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। आपको समझना चाहिए, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये लोग सिर्फ उन गुणों के प्रतिनिधि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जीवन इस तरह विकसित हुआ। मेरा विश्वास कीजिए, ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है।
उन्होंने गलापागोस द्वीप पर जाकर चीजों को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा। वे अपनी आंखें बंद करके बैठे और देखा कि अगर आप इसमें पर्याप्त गहराई तक जाते हैं तो इसमें एक विकास मूलक स्मृति है। अगर कोई विकास मूलक स्मृति नहीं होती, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और आप एक तरबूज खाते हैं, कुछ समय बाद यह एक मनुष्य बन जाता है। हाँ, अब आप एक स्त्री हैं, अगर आप तरबूज खाती हैं तो यह स्त्री बन जाएगा। अगर एक गाय तरबूज खाती है तो यह गाय बन जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां विकास मूलक स्मृति और जेनेटिक स्मृति नाम की कोई चीज है। विकास मूलक स्मृति निर्धारित कर रही है कि आप सिर्फ मनुष्य रूप लें। अचानक आपने एक स्मार्ट तरबूज खाया और आप कंफ्यूज्ड हो गए और एक गाय बन गए, ऐसी चीज कभी नहीं होगी, ठीक है। और जेनेटिक स्मृति है जो साफ साफ कहती है ये एक स्त्री का शरीर है, आप जो चाहे खाइए, ये केवल एक स्त्री ही बनेगा, पुरुष नहीं, क्योंकि जेनेटिक स्मृति ज्यों की त्यों है। यही कारण है कि लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के खिलाफ जूझ रहे हैं। पहले आप पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करते हैं और फिर जानवरों के साथ, फिर यह आप तक आ जाएगा। तब आपको नहीं पता होगा, अगर वे कोई गलती करते हैं तो आप फिर से आधे मनुष्य और आधे पशु बन जाएंगे। हमें नहीं पता क्या होगा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यही प्रतिरोध है, क्योंकि जब आप बुनियादी सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि हमने इसे पूरी तरह नहीं समझा है। तो उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति को देखा और वे कहते हैं, पहले हम मछली थे, फिर हम ये थे, ये सभी नौ चीजें, और अब आप यहाँ हैं। अब जबकि आप यहाँ हैं, आपने ये मनुष्य रूप लिया है। अगर आप यहाँ से विकसित होना चाहते हैं तो आप सिर्फ सचेतन रूप से विकसित हो सकते हैं। आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इसके लिए एक पूरा गणित है कि क्यों आपका शारीरिक विकास पूरा हो चुका है। इसके बहुत बहुत से पहलू हैं, मैं गणित में नहीं जाऊंगा। कुछ महिलाओं ने इनकार से सिर हिलाया है, नहीं, हमें गणित नहीं चाहिए। लेकिन गणित के बिना कोई रहस्यवाद नहीं है। इसे बहुत सरलता से कहें तो आप अभी जो हैं उसकी प्रकृति स्मृति का एक परिणाम, उसका एक जटिल मिश्रण है, आपकी विभिन्न स्मृतियों का मेल। आपका इस तरह का शरीर विकास मूलक और जेनेटिक स्मृति के कारण है। आपको ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, ये अचेतन, अवचेतन, कार्मिक और दूसरी तरह की स्मृतियों के विभिन्न स्तरों के कारण है। आपकी पसंद नापसंद पर ज्यादातर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उससे ऊपर उठने के लिए आपको कठिन प्रयास करना होगा, क्योंकि स्मृति आपके बारे में सब कुछ तय कर रही है। इसलिए जब हम विकास कहते हैं, एक तरह से हम स्मृति के खेल और अनुभव के निर्माण और विभिन्न स्तरों पर इसके विकसित होने के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं, अगर आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो आप हर उस चीज के पार जा सकते हैं जो आपको सीमित करती है। सिर्फ यही चीज, आपका भौतिक शरीर ऐसे बना है कि ये अब और नहीं बदल सकता, क्योंकि इस सौर मंडल के साथ वे ये भी कहते हैं, जब तक इस सौर प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता, आप शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूछा, आपने इतना ज्यादा समझ लिया है पर हमारी बुद्धि संघर्ष कर रही है, क्या हम इसे थोड़ा और विकसित कर सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, एक अलग तरीके से, पर आज आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट कह रहे हैं कि आपका दिमाग इस शरीर में पैदा होने वाली ऊर्जा का 20% इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बस इतना सा है, माफ कीजिए, क्या मैं बहुत छोटा दिखा रहा हूं? ठीक है, हालांकि ये बस इतना सा है और ये वजन में हल्का है क्योंकि इसमें ज्यादातर हवा है। उसके बावजूद ये हमारे शरीर की 20% ऊर्जा खा जाता है। बाकी का शरीर इतना बड़ा, बची हुई 80% का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप दिमाग का आकार बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए जिस मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी वो शरीर उपलब्ध नहीं करा सकता। इसलिए आप अपने दिमाग का आकार नहीं बढ़ा सकते। ऐसा करने का एक दूसरा तरीका है कि आप उसी आकार में ज्यादा न्यूरॉन या स्नायु भर दें। तब आपकी बुद्धि प्रकाशमान हो सकती है, लेकिन हर समय भारी मात्रा में क्रॉस कनेक्शन और भ्रम बने रहेंगे और आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ के घरों में ऐसे बच्चे हों, वे बहुत बेचैन रहते हैं,
वे बुद्धिमान हैं, पर वे हर जगह उधम मचाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। अब तुरंत आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वे उन्हें तीन अक्षरों में से एक दे देंगे, ADD, ADY, XYZ, कुछ इसी तरह का, MNOP। नहीं, आपको दवाइयां शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में इस तरह का कोई बच्चा है तो आपको समय लेना चाहिए। उन्हें प्रकृति के बीच सैर कराइए, उन्हें रेगिस्तान में 3 दिनों के ट्रैक पर ले जाइए, कहीं ले जाकर उन्हें तैराइए, उनका प्रकृति से सामना कराइए और भरपूर शारीरिक गतिविधियां कराइए। शरीर खुद को संभाल लेगा, ये मौजूद अतिरिक्त स्नायुओं को हटा देगा और अपने संतुलन पर लौट आएगा। अगर आप दवाइयां देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी दवाई जो आप लेते हैं उसमें किसी भी विशिष्ट स्थान पर जाने की बुद्धिमत्ता नहीं होती, ये हर जगह जाती है। वे दिमाग के किसी एक भाग को सुस्त नहीं कर सकती, बल्कि वे पूरे शरीर और पूरे दिमाग को सुस्त कर देगी। आप एक बच्चे का जीवन बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे सिर्फ इसीलिए कि कोई दवा देने के लिए बहुत उतावला है। खैर, तो उन्होंने इस आयाम की पेशकश की कि अगर आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो आप सभी सीमाओं के पार जा सकते हैं। प्रकृति ने हमारे लिए जो भी सीमाएं निर्धारित की हैं, अगर आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो उनमें से हर एक को पार किया जा सकता है। आदियोगी ने उनसे यही कहा और उसके बाद वे तरीके देने लगे कि वे अपनी वर्तमान सीमाओं के पार कैसे जाएं। लोग आज भी यही मानते हैं कि हम ऐसे ही हैं, है ना? हाँ, हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। दुर्भाग्य से आपने खुद को ऐसा बना लिया है, पर आप कई अलग अलग तरीकों से खुद को और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। क्या आपने देखा है, एक ही दिन में कभी आप शानदार होते हैं तो कभी भयानक होते हैं। हेलो, बहुत सारे भयानक लोग हैं। तो मैं कह रहा हूं, आपको हमेशा लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ। नहीं नहीं, आप खुद को अद्भुत बना सकते हैं, आप खुद को भयानक बना सकते हैं, है ना? तो आप सीमाओं में हो सकते हैं, आप सीमाओं से परे हो सकते हैं। तो पहली बार वे इसे मानवता तक लेकर आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ प्रयास से इस ग्रह पर हर प्राणी अपनी सीमाओं के पार विकसित हुआ है। या दूसरे शब्दों में, उन्होंने 15,000 साल पहले विकासवाद का सिद्धांत दिया।